इंश्योरेंस लेते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास और डॉक्यूमेंट से जुड़ी हर बात की आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कॉमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी कोई भी इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, प्लस उन डॉक्यूमेंट से जुड़ी हर बात, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, और इसके अलावा कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आप करते हैं डॉक्यूमेंट देते टाइम और आने वाले समय में आपको अपना क्लेम लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम कोई भी काम करते हैं ए टू जेड, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आप कोई भी ऑफिशियली वर्क करवाते हैं, कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर कोई पर्सन है वो कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कहने का यही सीधा सीधा मतलब है कि आप ए से लेके जेड तक कोई भी काम करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट लगते ही लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो आपको इंश्योरेंस करवाते टाइम जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं उनमें आपको ध्यान रखनी है, और कौन से डॉक्यूमेंट वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं जो कि आपको इंश्योरेंस करवाते टाइम देने होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा आधार कार्ड। फ्रेंड्स, अगर आप लोग LIC में या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में बीमा लेते हैं, अगर मैं बात करूँ LIC की, अगर आप LIC में बीमा लेते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाता है। फ्रेंड्स, आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके इंश्योरेंस लेते टाइम लगते ही लगते हैं। पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जब भी आप अपना आधार और पैन LIC में डॉक्यूमेंट के तौर पे जमा करवाते हैं तो आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर दोनों में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो फ्रेंड्स LIC के इंश्योरेंस में आपकी कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लगता है, उसको डाउनलोड करने में ज़्यादा कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कोविन का जो एक वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके अपना नंबर डालना होता है, जिस नंबर से आपका कोविड का जो टीका आपको लगा था उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP डालने के बाद वहाँ से आप जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट हो गए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर आप अपनी पॉलिसी को मंथली मोड आपने चूज़ किया है और आप नैच के थ्रू यानी कि ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कैंसिल चेक भी लगता है, या फिर कैंसिल चेक नहीं है तो आपकी पासबुक लगती है। सो फ्रेंड्स, उसमें भी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह और बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका लाइसेंस लगता है। फ्रेंड्स, लाइसेंस क्यों लगता है? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जो लाइसेंस है वो हैवी वाला होगा, आपको भी पता होगा दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक नॉर्मल होता है, दूसरा हैवी होता है। तो फ्रेंड्स, जो हैवी वाले लाइसेंस होते हैं ये जैसे कि ट्रक चलाने के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े जो यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका भी हैवी लाइसेंस होता है उसको अगर वो LIC लेता है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा जाता है, क्योंकि उस पर खतरे का यानी कि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, और उस पर क्योंकि वो बड़ी गाड़ी चलाता है तो उस पर यहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नॉमिनी की, तो फ्रेंड्स अगर आपने नॉमिनी बनाया है जो कि 18 साल से कम जिसकी उम्र है, मान के चलते कि आपने अपने बेटे या फिर बेटी को नॉमिनी बनाया जिसकी कि एज 18 साल से कम है, और फ्रेंड्स उस नॉमिनी के लिए आपको एक अपॉइंटी बनाना पड़ता है, तो फ्रेंड्स आपने अपॉइंटी अपनी वाइफ को बना दिया, तो फ्रेंड्स
इन केस अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आपको अपने बच्चे का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट देना है, यानी कि जो बच्चा आपका नाबालिग है और जो नॉमिनी उसमें बना है उसको बर्थ सर्टिफिकेट उसका यहाँ पे देना होता है, और जो अपॉइंटी है उसका यहाँ पे आधार कार्ड लगता है। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको देने ही देने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, डॉक्यूमेंट देते समय आपको ये चेक कर लेना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं सारी मैच करनी चाहिए एक दूसरे से। अगर कोई भी डिटेल्स मिसमैच होती है तो आगे चल कर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस लेते टाइम लगते ही लगते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।